जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे क्रेजी जीके वाला यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प संवादों के साथ अद्वितीय और रोचक सामान्य ज्ञान के प्रश्नों और उनके उत्तरों की दुनिया में ले जाते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और निकले इस अद्वितीय ज्ञान की यात्रा पर। सवालों का सही उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप पहले से ही उत्तर जानते हैं तो कृपया कॉमेंट करें। आपका पहला सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? आपके ऑप्शन है, ए आलू की, बी पपीते की, सी लौकी की, डी केले की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पपीते की। आपका अगला सवाल है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? आपके ऑप्शन है, ए लोहा, बी स्टील, सी सोडियम, डी सोना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सोडियम। आपका तीसरा सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए जेनेवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी लंदन। इसका सही जवाब है सी न्यूयॉर्क। आपका अगला सवाल है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद। आपका पांचवा सवाल है, चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च तिथि क्या है? आपके ऑप्शन है, ए 24 जुलाई 2023, बी 14 जुलाई 2023, सी 13 जुलाई 2023, डी 04 जुलाई 2023। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 14 जुलाई 2023। आपका अगला सवाल है, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ए उत्तर प्रदेश, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश, डी असम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आपका सातवां सवाल है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? आपके ऑप्शन है, ए इजराइल, बी पाकिस्तान, सी उत्तर कोरिया, डी सऊदी अरब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर कोरिया। आपका अगला सवाल है, मिथिला पेंटिंग किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? आपके ऑप्शन है, ए असम, बी गुजरात, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार। आपका अगला सवाल है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? आपके ऑप्शन है, ए कोयल का, बी तोते का, सी मुर्गी का, डी शुतुरमुर्ग का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग का। आपका दसवां सवाल है, चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी थी? आपके ऑप्शन है, ए 1200 करोड़, बी 960 करोड़, सी 600 करोड़, डी 540 करोड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 600 करोड़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके नीचे जो सब्सक्राइब का छोटू सा बटन है वो दबा दीजिए। आपका अगला सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए केरल में, बी उड़ीसा में, सी तमिलनाडु में, डी राजस्थान में।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उड़ीसा में। आपका 12वां सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? आपके ऑप्शन है ए साहित्य, बी सिनेमा, सी विज्ञान, डी चिकित्सा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिनेमा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? आपके ऑप्शन है ए शीशा, बी हीरा, सी एल्यूमिनियम, डी ग्रेफाइट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हीरा। आपका अगला सवाल है, कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है? आपके ऑप्शन है ए जिराफ, बी खरगोश, सी चूहा, डी प्लैटिपस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्लैटिपस। आपका अगला सवाल है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है ए पीछे पड़ना, बी शॉक करना, सी चकित करना, डी बहाना करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चकित करना। आपका 16वां सवाल है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार। आपका अगला सवाल है, कौन सा देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश है? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी रूस, डी यूएसए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 10, बी 15, सी 5, डी 20। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 15। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदारो, सी लोथल, डी कालीबंगन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहनजोदारो। आपका अगला सवाल है, विराट कोहली किस जाति के है? आपके ऑप्शन है ए खत्री, बी बनिया, सी ब्राह्मण, डी ठाकुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खत्री। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।